वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया शानदार स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम 90s के, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, गाने के बीट सिंक पर लिरिकल प्लस बीट सिंक स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक ज़रूर देखें। और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो उसके लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीव्यू वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस स्टेटस बनने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वेबसाइट की लिंक दी है उस वेबसाइट के लिंक पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको बिटमार्क प्रोजेक्ट और सिकी पैक प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके रखना होगा और ऑल मटेरियल से उसको डाउनलोड कर लेना होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको जो इंपोर्ट किया हुआ है बीटमार्क प्रोजेक्ट है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी बीटमार्क ऐड कर दिए हैं। दोस्तों शुरू के जो 9 बीट्स है यहाँ पर डबल लाइन आपको देखने को मिल जाएगी एक साथ, ये देखिए 16.10 सेकंड पर। तो यहाँ तक जो 9 बीट्स है उन 9 बीट्स में हम लिरिक्स ऐड करने वाले हैं। उसके बाद 16.11 से लेकर एंड तक जो हमारे 26 बीट्स है उन 26 बीट्स में हम फोटोज ऐड करके उन पर इफेक्ट्स लगा देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिरिक्स ऐड करते हैं। लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको स्टार्टिंग में आ जाना है जहाँ से लिरिक्स स्टार्ट होते हैं, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है और आपको लिरिक्स को सुनना होगा और आप यहाँ पर लिरिक्स सुनकर लिरिक्स को लिख सकते हैं। दोस्तों हमारा पहला लिरिक्स है वफा बेवफा। लिरिक्स को ऐड करने के बाद दोस्तों आपको कलर को ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जो भी कलर आपको चाहिए उस कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ पर येलो कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो साइज़ होती है हमारे फॉन्ट की उसको सिलेक्ट करके साइज़ फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज कर दीजिए करीब करीब 32 या 28 या 32 दोनों में से कुछ जो भी आपने रखनी है वो रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो रोबोटो रेगुलर हमारा फॉन्ट होता है उस पर क्लिक कर दीजिए, व्यू ऑल फॉन्ट्स में जाइए। दोस्तों आज खड़ियों के लिए हम विक्टोरिया इस वाले फॉन्ट को यूज़ करने वाले हैं, एक आप देख सकते हैं वाला फॉन्ट। तो इस फॉन्ट को अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑल मटेरियल से डाउनलोड कर लीजिए। और अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इसको कैसे इंपोर्ट करते हैं अगर आपको पता नहीं है तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बन रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से एक बार फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज कर देना होगा हमारे लिरिक्स के हिसाब से या फॉन्ट के हिसाब से। दोस्तों 36 तक रख दीजिए क्योंकि हमारे जो आगे वाले लिरिक्स है वो ज़्यादा वर्ड्स के हैं, तो दोस्तों आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम 36 ही लिरिक्स की साइज़ कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट वाले बिटमार्क पर जाकर जो लिरिक्स का एक्स्ट्रा पार्ट है बिटमार्क के आगे वाला उसको कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों आपको मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसकी साइज़ कम ज़्यादा करनी है तो भी आप कर सकते हो और मिडल में अच्छी तरह से सेट कर दीजिए। और दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, सिकी पैक प्रीसेट को ओपन कर लेना है। सिकी पैक प्रीसेट को ओपन करने के बाद मैंने जो आपको टेक्नोजे नाम पर जो लिरिक्स के इफेक्ट्स लगा कर दिए हैं उस पर क्लिक कर देना है। इफेक्ट्स में जाकर थ्रेड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर लीजिए। इन इफेक्ट्स को कॉपी इफेक्ट्स करने के बाद सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और जो हमने लिरिक्स ऐड किए हैं उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर थ्रेड पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। कुछ इस तरह से देखने को हमारे मिल जाएंगे इफेक्ट्स। दोस्तों मैं दिखाते हो तो आपको देखिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली से इस वाले लेयर को कॉपी कर लेना है। इस वाले लेयर को कॉपी करने के बाद हमारे अगले वाले बीटमार्क के थोड़ा सा आगे जाए, नॉर्मल सा आगे जाने के बाद फिर से एक बार उसी ऑप्शन पे क्लिक करके इसको पेस्ट लेयर कर दीजिए। पेस्ट लेयर करने के बाद थोड़ा सा आगे जाइए, एडिट टेक्स्ट में जाकर पहला जो हमारा लिरिक्स है उसको इरेज कर दीजिए। इरेज करने के बाद आगे वाला लिरिक्स आपको लिख लेना है। तो आगे वाला लिरिक्स है हमारा तू कर ले की। तो आगे वाले लिरिक्स को ऐड करने के बाद दोस्तों आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इस लिरिक्स को मिडल में अच्छी तरह से सेट कर देना होगा। और अच्छी तरह से मिडल में सेट करने के बाद नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जाना है और जो टाइमर वाला ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ पर घड़ी जैसा उस पर क्लिक कर दीजिए और 3 नंबर वाले ऑप्शन की मदद से जो एक्स्ट्रा पार्ट है लिरिक्स का उसको कट कर दीजिए। इस वाले बटन की मदद से आपको इसलिए करना है दोस्तों, जैसे हमारे की फ्रेम से वो जैसे चाहिए वैसे ही ऑलरेडी जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेंगे, कोई भी उसमें बदल चेंज नहीं होगा। दोस्तों एक करने के बाद आपको सिंपली से आगे वाले बिटमार्क पर जाना है। आगे वाले बिटमार्क पर जाने के बाद फिर से एक बार उसी ऑप्शन पर क्लिक करके जो हमने पहले लेयर कॉपी की थी उसको पेस्ट लेयर कर देना है। पेस्ट लेयर करने के बाद एडिट टेक्स्ट में जाना है और हमारे पहले लिरिक्स को इरेज करके आगे वाला लिरिक्स आपको लिख लेना है। दोस्तों हमारा आगे वाला लिरिक्स है आ पास जाने बाहर।
दोस्तों आगे वाला लिरिक्स लिख लेने के बाद इसको एक लाइन में कर दीजिए और मूव एंड ट्रांसफॉर्म जाकर मिडल में सेट कर दीजिए। मिडल में सेट करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, अगले वाले बिटमार्क पर जाना है और फिर से एक बार टाइमर वाले ऑप्शन की मदद से अब आपको चार नंबर वाले ऑप्शन की मदद से इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देना है, क्योंकि हमारा जो लिरिक्स है उसकी पोजीशन, उसकी जो लेंथ है वो कम है, तो चार नंबर वाले बटन की मदद से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। दोस्तों इस तरह से हमारे नौ के नौ बिट्स आपको ऐड करने हैं। दोस्तों हमारा तीन हो गए अपर यार्ड, तो चौथा है सच्ची मोहब्बत उसी को कहे, पांचवा है माने कभी जो ना हार, छठा है आ मेरी बाहों में, सातवा है दिल की पनाहों में, आठवा है कह दे जो है कहना, और नौवा है मौका मिलेगा तो हम। दोस्तों नौ के नौ लिरिक्स आपको ऐड करने होंगे, मैं सभी लिरिक्स को ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझ देता हूँ, तब तक के लिए वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों सभी लिरिक्स हमारे ऐड हो चुके हैं, ऑलरेडी हमने इसमें इफेक्ट्स लगा दिए हैं। अब हमें फोटोज़ ऐड करने हैं। फोटोज़ ऐड करने के लिए आपको 16.11 सेकंड वाले बिट मार्क पर आ जाना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, इमेज स्टूडियो में जाना है और जिन भी इमेज पर आपके वाला स्टेटस वीडियो क्रिएट करना होगा उन इमेजेस को वन बाय वन ऐड कर दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम पूजा हेगड़े के इमेजेस यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको ये इमेजेस चाहिए HD क्वालिटी में तो इनको मैं ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा जिप फाइल के द्वारा, सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, सभी इमेजेस आपके एक क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। और दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली से फोटोज़ को सिलेक्ट कर लेना है। फोटोज़ को सिलेक्ट करने के बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फोटोज़ को ऐड कर लीजिए। राइट साइड वाले तीन डॉट पे क्लिक करके फिर स्क्रीन पे इनेबल कर दीजिए। नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जाकर इमेज का आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए। दोस्तों हमें 26 इमेजेस ऐड करने हैं, मैं 26 के 26 इमेजेस ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ, तब तक के लिए वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों सभी इमेजेस को ऐड करने के बाद अब हमें इन इमेजेस में इफेक्ट्स लगा देने हैं। इमेजेस पर इफेक्ट्स लगाने के लिए आपको मैंने जो सेकी पैक प्रीसेट दी है उसको ओपन कर लीजिए। सेकी पैक प्रीसेट में आपको एक ही फोटोज मिल जाएगा हीरोइन का, उस पर क्लिक कर दीजिए। इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर लीजिए। इन इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और जहाँ से हमारे इमेजेस स्टार्ट होते हैं 16.11 सेकंड से आगे जो हमने 26 के 26 इमेजेस ऐड किए हैं, उन 26 के 26 इमेजेस पर आपको यही एक ही इफेक्ट है उसको सभी इमेजेस पे पेस्ट कर देना है। सभी 26 के 26 इमेजेस पर इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देने के बाद दोस्तों आपको अपना YouTube, Instagram, Telegram जो लोगों ऐड करना है उसको ऐड करके एंड तक एक्सटेंड कर दीजिए। हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। तो वीडियो बनकर रेडी होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिरिक्स ऐड हो चुके हैं, फोटोज ऐड हो चुके हैं। तो सिंपली से आपको एक पार्टिकल इफेक्ट ऐड करना है। स्टार्टिंग में आकर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके इमेज स्टूडियो में जाइए और दोस्तों मैंने जो आपको पार्टिकल इफेक्ट ऑल मेटल्स में दिया है उसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर दो नंबर रोटेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको -90 डिग्री में रोटेट कर दीजिए। राइट साइड वाले तीन डॉट पर क्लिक करके से फिर स्क्रीन पर इनेबल कर दीजिए। ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाकर लाइटन में स्क्रीन पर इनेबल कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली से जहां पर हमारा स्टेटस एंड होता है 31.03 सेकंड वहां पर जाकर इसका एक्स्ट्रा पार्ट है आगे वाला उसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा, सिर्फ आपको अपना लोगो लगा देना है। अब हमें वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के राइट साइड में सेटिंग के बगल में शेयर वाला आइकॉन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो में जाकर 1080 पिक्सल में आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताया, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग टूटल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।